हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पांडे दिस साइड। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नॉर्मली हर 5 साल में एक बार अराइज होता है, और वो है सर न्यू सिलेबस में जाए कि ओल्ड में जाए, राइट? लास्ट टाइम भी ऐसा 2012 में हुआ था, 2017 और 18 में हुआ था, और अब 2023 में भी फिर से यही इशू आ रहा है बच्चों को कि सर ये जो पीरियड होता है ट्रांजिशन वाला, कि जब ओल्ड से हम न्यू में शिफ्ट होते हैं, तो सर हम करें क्या? हम ओल्ड में जाए, न्यू में जाए, कि सर अब करें क्या? देखो भाई, तीन टाइप के बच्चे हमारे पास में है, जो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? हर वो बच्चा जो फर्स्ट फिफ्थ के बाद सीएस प्रोफेशन में आएगा, जिस जो सीएसईटी वगैरह करेगा, उसको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो जाना ही न्यू में है। जो लोगों ने ओल्ड सिलेबस पहले से ले लिया है, जिन्होंने एग्जाम पहले भी दे दिए 2021 में 22 में, उनको भी ओल्ड अप्लीकेबल है। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में नवंबर या जनवरी में सीएसईटी दिया और उनके रिजल्ट्स आए। रिजल्ट आया था अभी फिलहाल 18 जनवरी को, और बच्चों को हम लोगों ने कहा था कि सर आप रजिस्टर मत करिएगा, यू शुड रजिस्टर विद न्यू सिलेबस ओनली। सो आज मैं बात करने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सर न्यू सिलेबस कैसे अच्छा है, क्या है उसके अंदर में बहुत सारी खूबियां जो उसको ओल्ड सिलेबस से अलग बनाता है, एंड आप सभी लोगों को न्यू सिलेबस लेना चाहिए, हर वो बच्चा जो पहली बार सी एस एग्जीक्यूटिव में अब एंटर करने वाला है, राइट गाइज? सो आई विल टेल यू कंप्लीट डिटेल टॉपिक। मे बी ये वीडियो 15-20 मिनट का हो सकता है, बट येस दिस विल बी द वन शॉर्ट वीडियो। हर चीज आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि सिलेबस कैसे होने वाला है और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, राइट गाइज? तो स्टार्ट करते हैं सर सिलेबस का जो ओवरव्यू हमारा, एंड वी विल बी डिकोडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस, राइट गाइज? उसके पहले बता दो आप लोगों को कि हमारा जो न्यू सिलेबस का बैच है वो शुरू होने वाला है 1st of Feb से, है ना? आपको पता होगा अच्छे से न्यू सिलेबस में दो ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एंड टोटल वी हैव 7 सब्जेक्ट्स, राइट? तो अब इसके बारे में बात आगे करेंगे हम लोग। तो उस 7 सब्जेक्ट में से जो पहले ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स है, दैट इज जो मैं पढ़ाता हूँ कंपनी लॉ, जो सौम्य मैडम पढ़ाती है दैट इज द जुरिस्प्रूडेंस वाला सब्जेक्ट, जो मयूर सर पढ़ाते हैं सेटिंग अप ऑफ सब्जेक्ट, और आपके ग्रुप 1 में एक नया सब्जेक्ट आया है जो हमारे मेंटोर है, हमारे इंस्पायर एकेडमी करता रहता है राज आवटे सर, वो पढ़ाएंगे आपको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट जो एक नया ऐड हुआ है जो पहले ग्रुप 2 में था। तो ये 4 फैकल्टीज आपको शुरू करने वाली है आपके लिए 1st Feb से सिलेबस ऑफ न्यू कोर्स, और आप लोग डेफिनेटली फेस टू फेस पुणे आके पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइव कर सकते हैं, या तो फिर फ्रेश बैच की रिकॉर्डिंग भी आपको गूगल ड्राइव के थ्रू घर पे मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट गाइस? तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी नीचे में डिस्क्रिप्शन पे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है वो भी ज्वाइन करिएगा, और नीचे में आपको नंबर भी फ्लैश हो रहेंगे वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड सिमिलरली थोड़े दिन बाद वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद ग्रुप 2, जिसमें कि SLCM है ना, जो कि सिक्योरिटीज लॉ है जो पढ़ाते हैं शुभम सुखरेचा सर, है ना, EBCL इकोनॉमिक एंड बिजनेस लॉज जो आपका सब्जेक्ट था जो पढ़ाते हैं मयूर सर, और टैक्स आपका ग्रुप 2 में आ चुका है जो पहले ग्रुप 1 में था जो पढ़ाते सलीम कुरैशी सर। सो ये भी शुरू होगा जून के बाद। तो इस तरह से हम लोग पूरी सिलेबस की पढ़ाई करेंगे आने वाले अराउंड यू कैन से सितंबर तक के, ठीक है ना? तो सारी बातें आपको मालूम पड़ते रहेगी। चलिए तो विल स्टार्ट विद द मेन थिंग सर। टॉपिक का नाम बहुत सिंपल सा, न्यू वर्स ओल्ड की जो दुविधा है वो सॉल्व कैसे की जाए। मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने एक PPT बना के रखी है, साथ में एक टेबल दिख के रखा चार्ट का, गौर से देखिएगा अच्छे से चार्ट को, आपको क्लियर होगा अच्छे से कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी मिलेगी, ठीक है ना? सबसे पहले बात करते हैं न्यू सिलेबस में, तो आप देख सकते हो आपको टोटल 7 सब्जेक्ट है कंपेयर टू ओल्ड में जो कि 8 थे। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, सारा सब्जेक्ट एक कम हो गया। ओके सर, ये तो ठीक है, सबको मालूम पड़ गया अच्छे से। मेन पता है कि आपको आपके न्यू सिलेबस में MCQ सब्जेक्ट्स हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं। CMA में छोड़ दिया जाए, CMA 100% थ्योरेटिकल है, बट उसको छोड़ के बाकी 6 सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के MCQs कंपलसरी है। तो 20 मार्क्स × 6 पेपर्स, दैट इज 120 MCQs आपके कंफर्म आएंगे। एंड जहाँ तक हमको यकीन है कि ये 20 मार्क्स के MCQs नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, जो कि ओल्ड में थे आपके। हालांकि मैं जानता हूँ ओल्ड में 3 सब्जेक्ट थे MCQ वाले, तो आपको लगता था सर 300 मार्क्स तो MCQ में मिल रहे हैं, बट सोचो जरा नेगेटिव मार्किंग भी थी और बाकी 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे आपको, और यहाँ पे आपको एक तरह से एक सब्जेक्ट कम पढ़ना है और आपके हर सब्जेक्ट में MCQs है। तो अगर आप यकीन मानो, अगर आप कंपनी लॉ पढ़ते हो जैसे एग्जांपल, आपके 80 मार्क का तो आपको पढ़ना ही, लेकिन 20 मार्क आपके MCQ मार्क है, 17-18 तो वहीं पे आ सकते हैं आपके अच्छे से, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और आपको चाहिए पास होने में 40 मार्क्स। तो सोचो सर, एक तो 20 मार्क्स के आसपास तो वैसे ही पहुंच गए हो, और बच्चे 80 में से आपके 40 नहीं ला सकते। सोचो 80 में से 40 ले आए और 20 MCQ में से अगर आपने 17-18 भी ले आए, तो भी आपके 55-60 मार्क्स का एवरेज रेंज बन जाएगा हर सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट एक कम पढ़ना है बार बार। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके ग्रुप न्यू सिलेबस में कि सर आपको हर सब्जेक्ट में MCQ आने वाले, तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है, ठीक है ना? तीसरी वैलिडिटी, न्यू सिलेबस अब शुरू होने वाले दिसंबर 2023 से पहली बार, तो उससे होगा ये
कि दिसंबर में अगर आप एग्जाम देंगे पहली बार तो फायदा क्या होगा आपको, सोचो जरा। फायदा ये होगा कि दिसंबर में पहले एग्जाम होगी और ऐसे करके कम से कम 5 साल, दैट इज 10 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे किसके, न्यू के। उसके बाद जब न्यू सिलेबस फिर आएगा 2027-28 के बाद, अरे भाई साहब ये सब बहुत आगे चला गया मैं, आई एम वेरी मच श्योर आप लोग 2 या 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में तो क्लियर कर दोगे। दिसंबर 2023 में सबको क्लियर करना ही है, और अगर आप इंस्पायर से पढ़ रहे हो फिर तो कोई डाउट ही नहीं आएगा आपको, आप सारे पेपर एक साथ क्लियर कर सकते हो दिसंबर 2023 में। तो ये तो खैर बात ही खत्म हो गई, बट यस अगर आप ओल्ड में जाते हो तो उसके आपको पता है कि सर 2 या 3 अटेम्प्ट मिलेंगे और उसके बाद फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको फिर न्यू में आना पड़ेगा, तो अगर कहीं गड़बड़ से कुछ हुआ तो फिर पंगे हो सकते हैं, तो वो एक पॉइंट ध्यान रखना। फिर विजन सबसे बड़ा पॉइंट है, जो ओल्ड सिलेबस बना था ये बना था विजन 2022 को लेके ICSI के, तो 2017 में जो उन्होंने सोचा था कि 2022 को ICSI में कैसे ले जाए वो बनाया था। अब जो सिलेबस बनाया 2022 की जगह पे 2030 के विजन को लेके बनाया, तो जो सिलेबस की कंटेंट है ना ये आने वाले जमाने के साथ मैच करता है। तो सबसे मुझे लगता है मेन रीजन ये होना चाहिए आपको न्यू सिलेबस में जाने का कि यार आप देखो, मैं आई एम नॉट सेइंग ओल्ड कंटेंट पढ़ रहे हो, बट मैं कहता हूँ कि जब ICSI का विजन है 2030 में अपने आपको कहाँ पे ले जाए एंड व्हाट दे वांट, उनको पता है कि CS का प्रोफेशन कहाँ जा रहा है, तो आप वो सब्जेक्ट के पैरेलली पढ़ाई करिए रादर देन कि सर वो सब्जेक्ट पढ़िए जो कि 2030 के मुताबिक मैच नहीं हो रहे। इसलिए आपको पता होगा सर कई सारे सब्जेक्ट स्किप किए उन्होंने इंस्टीट्यूट ने, क्यों किए, क्या की रीजन है उसके पीछे का, ये बहुत बड़ा रीजन है उसका ICSI का विजन 2030। तो ये विजन के साथ बनाया गया न्यू सिलेबस है, तो आपको बहुत ध्यान रखते चलना है, ठीक है ना। सेट ऑफ है ना, मैंने आपको बताया था सेट ऑफ आपको ओल्ड में नॉर्मली मुश्किल है क्योंकि आप ओल्ड में अलग अलग ग्रुप देंगे, न्यू में पॉसिबल है, ठीक है ना। लास्ट में सिंक विथ प्रोफेशनल, अब ये क्या है सर, प्रोफेशनल सिंक मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट, जैसे अभी मैं बताता हूँ करंट में वी हैव सब्जेक्ट नोन एज RCD या फिर सब्जेक्ट नोन एज MCS, फिर कुछ ओपन बुक्स भी सब सब्जेक्ट्स भी है, फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह कुछ सब्जेक्ट है प्रोफेशनल में, कई सब्जेक्ट ऐसे दिए हैं सर जिसका एग्जीक्यूटिव से कोई लिंकिंग नहीं है, बट जैसे अब एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आपको एग्जीक्यूटिव में IPR दिया उन्होंने, वही IPR आपको प्रोफेशनल में भी एक सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिव, फायदा पड़ेगा, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट्स आपको एग्जीक्यूटिव में इन्होंने दिए, जैसे लेबर लॉज है तो लेबर लॉज का इंपॉर्टेंस एग्जीक्यूटिव में दिया है और उसी पर एक सब्जेक्ट पूरा लेबर लॉज के ऊपर प्रोफेशनल में सब्जेक्ट है पूरा, तो क्या होगा ना जब आप एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करोगे तो उसकी पढ़ाई से आपका बेस तैयार रहेगा, वही पढ़ाई से आप प्रोफेशनल जाओगे तो आपको वही चीज़ को एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ना है, बट नया कुछ नहीं पढ़ना है। एंड यू ऑल्सो नो एग्जीक्यूटिव में भी 7 सब्जेक्ट है एंड प्रोफेशनल में भी आपके नए सिलेबस में 7 ही सब्जेक्ट आने वाले, तो सोचो कितना फायदा होगा आपको ओल्ड से न्यू में ट्रांजिशन करने का और फिर बाद में एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में भी। तो इसलिए हर एंगल से आपको क्या करना चाहिए है ना। और लास्ट पॉइंट कोचिंग सपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग चाहते हैं सर कि टीचर्स आपको गाइड करें, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग बेवकूफ है आप समझ नहीं सकते, बट यू वांट टीचर्स टू गाइड यू विद द कंटेंट, है ना। वी आर देयर टू इंटरप्रेट द सिलेबस एंड द कंटेंट। अब मुझे बताओ सर जब पूरे दुनिया में बच्चे न्यू सिलेबस के रहेंगे तो ओल्ड सिलेबस की जो रिविजन्स है मैराथॉन्स है कोचिंग से थोड़ा सा ना क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग नॉट पॉसिबल बट थोड़ा कम हो जाएगा। बट यस न्यू सिलेबस की बैचेस जैसे हम शुरू कर रहे हैं, वैसे पूरे इंडिया में हर एक एकेडमीज आपको पता ही होंगी, यू हैव सीन मेनी वीडियोस ऑफ अदर एकेडमीज आल्सो, हर एकेडमी शुरू कर रही है आपकी न्यू सिलेबस की बैचेस, तो उनके भी तरफ से वीडियोस मिलेंगे, हमारे भी तरफ से वीडियोस मिल रहे हैं, एवरी एकेडमी विल गो फॉर न्यू सिलेबस एंड देन ओल्ड सिलेबस का सपोर्ट थोड़ा सा कम हो सकता है बट न्यू का सपोर्ट लॉन्ग टर्म चलेगा। तो इसलिए दिस ऑल रीजंस गिव यू अ स्ट्रांग रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर न्यू सिलेबस ऑनली। तो हर बच्चा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर वो बच्चा जो अभी अभी क्या किया है 18 जैन को 2023 को उसने क्या किया था CSET पास किया था, ठीक है, इसने क्या करना है अभी भी वेट करना है कब तक के 31 जैन तक के, और उसके बाद 1 फेब को 1 फेब 2023 के बाद रजिस्टर करेंगे विद ICSI, आपको ICSI में रजिस्टर करना है सो आप क्या कर पाओ न्यू सिलेबस में रजिस्टर हो पाओ। तो इधर से 1 फेब के बाद ही करना, अभी भी आपने हमने सबको कन्विंस किया था वैसे तो, बट अभी भी कई लोग रुके हुए हैं और अभी भी आपके पास 5-6 दिन है, वेट करिएगा 31 जनवरी तक के, 1 फेब के बाद आप रजिस्टर करेंगे विद ICSI, आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू सिलेबस में ही, और फिर 1 फेब के बाद तो पूरी दुनिया ही वहाँ पे आने वाली है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, राइट। तो आई गेस ये बहुत क्लियर सब लोगों को कि वाई वी शुड गो फॉर द न्यू सिलेबस। तो एक बार और मैं क्लियर कर दूँ आपको अच्छे से, एक बार फाइनल एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, वाई टू चूज न्यू सिलेबस कम्पेयर टू ओल्ड, आपको लेस सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सर, एक सब्जेक्ट तकरीबन 150 घंटे के आसपास का कॉन्टेंट होता है कोचिंग का, सोचो 150 घंटे या 200 घंटे, 150 घंटे पढ़ लेता हूँ चलो, 150 आज का कोचिंग कॉन्टेंट होता है,
फिर उसकी रिवीजन मैराथन मिला करके 200 आवर्स हो जाते हैं। उसकी इक्वल टाइम सेल्फ स्टडी भी आप करते हो, मतलब 400 से 500 घंटे को आपको देना पड़ेगा किसको, उस एक सब्जेक्ट को जो आठवां सब्जेक्ट होता था। अब वो 500 घंटे अगर आपके लाइफ पे बच गए तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो, आप कोई नया कोर्स सीख सकते हो, या फिर वही टाइम बचा करके आप इस सात सब्जेक्ट में दोगे तो इस हर सब्जेक्ट में आपके 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वन सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा कम होना इज इक्वल टू 500 घंटे का कंटेंट कम पढ़ना आपको, मतलब 500 घंटे का टाइम बच रहा है आपका, पढ़ाई कम नहीं करनी है, क्वालिटी जगह पर इन्वेस्ट करना है, वो 500 घंटे जो आपके बचेंगे पूरे ड्यूरेशन के, एंड 500 घंटे इज वेरी बिग टाइम यार, मतलब मजाक नहीं होता। तो 500 घंटे में आप कितने सारे कोर्स नए नए सीख सकते हो, एक घंटा रोज का कुछ नया कंटेंट सीख लिया, या फिर वही पढ़ाई को आपने कंपनी नॉ में GIGL में इसमें इन्वेस्ट कर दिया, सो आपके फायदे फायदे होते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, सब में MCQ आ रहा है आपको, तो एक सपोर्ट बोलते हैं ना, हर सब्जेक्ट टफ भी होगा बट साथ में थोड़ा उसमें क्वेश्चन मिलेगा किस बात का, MCQs का, तो एक बहुत अच्छा ब्लेंड होने वाला है MCQ प्लस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज पेड विद विजन, मैंने पहले बताया 2030 के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। 2 मिनट टाइम्स आपको मिलने वाले, ये बहुत बड़ा फायदा है आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, कोचिंग मैंने कहा था आपको हर अकेडमीज आपको इंडिया में प्रोवाइड करेगी, तो ये फायदा है आपको कि वाई शुड गो फॉर द न्यू सिलेबस ऑनली, ठीक है। रिलेटिवली इजी पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, आज के तारीख में ना मॉड्यूल्स नहीं आए CSI की तरफ से, सर कब तक आएंगे, आई अज्यूम कि 1-1.5 महीना लग सकता है, मार्च में भी आएंगे। अब आप पूछेंगे सर मार्च में अगर न्यू सिलेबस के मॉड्यूल आएंगे तो क्या हम पढ़ाई कर पाएंगे क्या, और सिलेबस में आप सर पढ़ाओगे कैसे, आप वापस याद करिए सब्जेक्ट क्या क्या है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ कंपनी लॉ, हमारा सब्जेक्ट का नाम अभी कंपनी लॉ है, एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में उसका नाम हो गया है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। अरे बट भाई, जो बोर्ड मीटिंग थी वो पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है, वैसे ही साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है, वैसे ही साल में 1 AGM होती है, वैसे ही नोटिस देना पड़ता है, सब कुछ तो वही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बट ट्रस्ट मी 80% सिलेबस, मैं लिख देता हूँ आपको अच्छे से, 80% जो सिलेबस है अगर मैं कंपेयर करता हूँ ओल्ड वर्सेस न्यू में, ठीक है, कोई सब्जेक्ट नया नहीं आया, उल्टा एक कम हुआ है, ठीक है ना। तो ओल्ड और न्यू में, जैसे एग्जांपल मैं कंपनी लॉ की बात करता हूँ, यहाँ पे उसका नाम बन चुका है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, दोनों में 80% सिलेबस सेम है। जो आपकी मैडम पढ़ाती है सौम्या मैडम JIGL, उसका नाम JIGL था और अभी भी उसका नाम ज्यूरिसप्रूडेंसी है, ठीक है, और अब ये भी सब्जेक्ट में ज्यूरिसप्रूडेंसी है, इसमें भी अराउंड 80% एक्ट सेम है, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही लेबर लॉज, वही आपके स्टैट्यूट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, आर्बिट्रेशन, सब कुछ वैसे ही। हाँ, 3 से 4 चैप्टर्स इधर से कम हो गए हैं, इधर ऐड हो गए हैं और कुछ कुछ इधर उधर मॉडिफिकेशन हुआ है। तो बात समझिएगा, 80% पोर्शन हर एक सिलेबस में वेरी वेरी रिलेवेंट एंड सेम। दूसरा पॉइंट, पेपर पैटर्न भी नया आपको आएगा, एंड ये जानते हैं कौन, जानते हैं ICSE जानती है कि उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है, हम टीचरों के लिए भी फर्स्ट टाइम है और आपके लिए फर्स्ट टाइम है। तो जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा ईजी होता है, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट बोलते चलो यार इतना रूड नहीं बनते, इतने हार्श नहीं बनेंगे, और ट्रस्ट मी ये रीजन की वजह से ये जो पॉइंट है इजी पेपर्स आ सकते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा पासिंग ज़्यादा है, क्लियर हो सकता है ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन हमको लगता है। एंड अगेन आपको दिसंबर एग्जाम मिलने वाले, दिसंबर मतलब सोचो जरा, आज चल रहा है, जनवरी छोड़ देता हूँ मैं, इवन इफ आई स्किप जनवरी, फेब मार्च अप्रैल, नहीं इसमें और ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है ना, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, लेट से इस 8 महीनों में, है ना, ये 8 महीने हो गए, इस 8 मंथ्स में अगर आपने क्या किया, 7 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली, आई गेस आराम से हो सकता है ना। पहले 4 से 5 महीने आपकी पढ़ाई हो जाएगी ग्रुप 1 की, और बच्चे 3 महीने में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ग्रुप 2 के, सितंबर तक की आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी कोचिंग वाली, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर एंड में एग्जाम होती है 21-22 तारीख के बाद, तो ये 3 महीने में आप क्या कर सकते हो, मैराथन, रिवीजन, है ना, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आप आराम से प्लान कर सकते हो आने वाले 3 महीने में। मुझे बताओ इतना सब करने के बाद कोई रीजन है किसी को फेल होने का, फेल तो छोड़ो सर, कैन यू गो फॉर ऑल इंडिया रैंक, यस यू कैन गो फॉर ऑल इंडिया रैंक, आराम से पॉसिबल है। तो गाइज, ये बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारा एक ही सजेशन है आप लोगों को कि न्यू सिलेबस जाइए। अगर आपके पास कोई रीजन है सर कि नहीं ओल्ड में क्या फायदे है जो मैंने शायद स्किप कर दिए होंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वी कैन इवन हैव अ डिबेट ऑन दैट एंड आई विल गिव यू रिप्लाई ऑन दैट फॉर श्योर, बट आई एम वेरी मच श्योर आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि सर ऑल गिवन थिंग्स इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर न्यू सिलेबस इन एवरी रिस्पेक्ट, एवरी रिस्पेक्ट, हर एंगल से आपको ये फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। सो यस,
आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर. सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, फटाफट से अपने आप को रजिस्टर करें न्यू सिलेबस में. एंड एज आई सेड, हमारी न्यू बैच शुरू हो रही है 1 फेब से, है ना. यूट्यूब पे डेमो होंगे तो सर चैनल ये वाला सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली चीज. दूसरी चीज, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ आएगी. एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, क्योंकि इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा अपडेट्स आते हैं. इंस्टाग्राम इंस्पायर अकेडमी का चैनल मुझे फॉलो करिए, सीएस तुषार पहाड़े इंस्टाग्राम पे वो चैनल. हर तरह आप हमको, हर फैकल्टी को फॉलो करिए, आपको हमारे अपडेट्स न्यू सिलेबस के एवरीथिंग यू विल गेट, एंड आपको सब चीज़ों का अपडेट मिलता रहेगा, है ना. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फेब एंड आई सेड मतलब जस्ट आस्क सीनियर्स इंस्पायर अकेडमी कैसी है सीएस की कोर्स के लिए. That's it. इतना पूछिएगा, बाकी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, ठीक है ना. कंप्लीट बोथ ग्रुप आपका सितंबर, जैसे मैंने बताया आपको, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 मंथ्स में इजीली आपके 8 सब ग्रुप 8 मंथ्स में 7 सब्जेक्ट्स इज वेरी इजी, आराम से पॉसिबल है, विद सेल्फ स्टडी, विद होमवर्क एंड ऑल दिस थिंग, प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके. और फिर अक्टूबर नवंबर तो है ही हमारे पास, जब हमको रिविजन करना है, मैराथन करना है, तो बहुत सारे फायदे हैं, है ना. एट सेट 3 मंथ्स आपको मिलेंगे रिविजन, टेस्ट सीरीज, मैराथन, सेल्फ स्टडी के लिए. एंड ट्रस्ट मी, आपका रिजल्ट पक्का आने वाला है, राइट गाइस. सो यस, वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए. एंड आई एम वेरी मच श्योर टुगेदर वी विल अचीव द न्यू हाइट्स. एंड यस, एक आखिरी में शेयर आज करना चाहता हूँ, डेफिनेटली आपको सुनने के बहुत फायदा होगा. जो बच्चे सीएसईटी पास हुए तो वो कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो हासिल किए मुट्ठी भर सफलता आपने, सो आई होप यू हैव क्लियर ईटी. अभी तो हासिल किए मुट्ठी भर सफलता आपने, अभी तो सारा आसमां बाकी है. सो यस, वी नीड टू अचीव मैनी थिंग्स इन लाइफ. एंड बोलते स्काई इज द लिमिट वाली बात है, तो बहुत सारी चीजें हमको अचीव करनी है. एंड उसके लिए हम आगे कदम लेने वाले हैं, सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस. We will be starting from 1st of Feb, right guys? So yes, सब कुछ मैंने आपको फिर से बता दिया है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ. And please go and watch this thing. ये हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है, सामने हमारी टीम पूरी है, मैं खुद कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, सौम्य मैडम पढ़ाएगी जुरिसप्रूडेंस, सेटिंग अप पढ़ाएंगे आपके मयूर सर, एंड राज सर पढ़ाएंगे आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, राइट गाइज. सो यस, सी यू सून for the new more videos you will be getting this channel, so please subscribe it and we'll see you super soon. Till then, take care of yourself. Bye bye guys, and stay connected. Bye bye.